बेटा इधर देखें, हम जो पढ़ रहे हैं ना वो मैथ 9th क्लास चैप्टर नंबर 3, इसका एक्सरसाइज 3.2 और 3 का सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं जी। उसने ये कहा कि गिवन कॉमन लॉगरिथम इज, गिवन कॉमन लॉगरिथम इज, ये कॉमन लॉगरिथम है जी। तो ये है कॉमन लॉगरिथम। तो कॉमन लॉगरिथम तो ये आ गया, हमें इसमें जो हमने इस वैल्यू को नाम दिया लॉग ऑफ एक्स का, ये -1 है, -1 ऊपर लिखा जाता है, -1.7427। आपने क्या करना है, ये लॉगरिथम की वैल्यू दी हुई है, बुक ने बताया हो तो आपने एंटी लॉग लेना है दोनों तरफ। तो एंटी लॉग कैसे लेंगे, लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल है जी 7427, यहाँ के पास आएगा एंटी लॉग, यहाँ के पास आएगा एंटी लॉग, ये एंटी लॉग है, एंटी लॉग से ये लॉग कट जाता है तो ये एक्स आ गया, एंटी लॉग से लॉग कट जाता है। आपने पता क्या करना है मुझे, अब आपने बताना है, ये माइक ओपन कर लें, मैं जो बता रहा हूं उसको देखना है, 74 को आपने देखना है 2 के नीचे और 7 का डिफरेंस बताएं जी, 74 को 2 के नीचे देखें क्या आएगा। बताएं जरा 74 को 2 के नीचे देखें, 5521 5, हाँ 5521 5521 5521, 5521 आ जी गया। और ये बताएं कि जो 7 का डिफरेंस है वो कितना है, ये 7 का 9 9, तो आपके पास जो वैल्यूज आ गई है वो 5, ये देखो ये आपके पास आ गई है 5530। इधर देखें, यहाँ लिखते हैं 5530। आपने इस -1 का क्या करना है, एक्चुअल में वैल्यू इधर होती है तो जो ये आपको करेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है ना, ये आपको लेकर आएगा इधर पीछे इधर, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। बस इसका ये सलूशन है जी। दोबारा जरा देख लें, कॉमन लॉगरिथम ये वाला है जी, आपने एंटी लॉग ले लेना, इधर भी एंटी लॉग लेंगे, इधर भी एंटी लॉग लेंगे, 74 को 2 के नीचे देखेंगे, 74 को 2 के नीचे देखा ये आ गया, और 7 का डिफरेंस वो ये आ गया, 74 को 2 के नीचे 7 का डिफरेंस ये आ गया 5530। ये माइनस है ना, तो माइनस एक्चुअल प्लेस से पीछे लेकर आएगा, एक्चुअल प्लेस से पीछे आना है तो यहां आपके पास आ गया। आपने ये भी पढ़ लिया, नोट कर लें, हम आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट सिलेबस क्या है हमारा। यहां तक किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो मुझसे पूछ सकता है। बेटा जो नेक्स्ट है हमारा वो है 3.3, 3.3 एक्सरसाइज में, इधर देखें जी, एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका फर्स्ट, फोर्थ फिफ्थ सिक्स क्वेश्चन है जी, फोर्थ फिफ्थ सिक्स क्वेश्चन है जी, फोर्थ फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन है जी, हमने ये करना है जी। अब बुक ओपन करें जी, बुक में हम देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। बेटा ये देखें जी, क्वेश्चन नंबर 1, 3.3 की तरफ हमें आ गया हूं जी, और 3.3 में ना आपने क्या करना है जी, मैं इसके आपको लाज भी पढ़ाऊंगा, लाज है इसके, ये देखें जी, ये एक्सरसाइज आपके पास है जी 3.3, और इसका क्वेश्चन नंबर आपके पास है 1, इसका फोर्थ फिफ्थ सिक्स करना है जी। सिलेबस मैंने अभी आपको शेयर किया भी है, इसमें लिखा है फोर्थ फिफ्थ और सिक्स, फोर्थ फिफ्थ और सिक्स। तो अब हम आते हैं फोर्थ फिफ्थ और सिक्स करते हैं जी, इसको कॉमन लॉगरिथम में लिखना है जी।
तो बेटा इसका जो फोर्थ पार्ट है वो क्या है जी, वो है जी लॉग। इधर देखें जी, लॉग 7/15 और यहां आ गया 3। ये देखें जी, पहले आप इसको अच्छी तरह समझ लें, जब इसके बाद आप थ्योरम करेंगे तो वो समझना ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। इसको आपने लिखना है जी, इसकी जो स्टेटमेंट है तो उसमें ये लिखा हुआ है जी, राइट द फॉलोइंग इनटू सम मारा डिफरेंस, राइट द फॉलोइंग, इधर देखें, राइट फॉलोइंग इनटू सम मारा डिफरेंस, आप इनको सम की शक्ल में लिखना है या डिफरेंस की शक्ल में लिखना है जी। तो इसका ये रूल होता है कि जो लॉग वाली जो वैल्यू है ना, यहां जो वैल्यू दी हुई है 7/15, आप इसको पावर में लिखें, ये पावर आ गया इधर, क्योंकि जो पावर उधर है वो जो वैल्यू नजर आ रही है आपको वो है ये 7/15, इसकी पावर है 1/3। ये देखो बेटा, इसकी पावर जो है ना ये वाली, इससे आप लिखेंगे 1/3, ये है क्यूबिक रूट, क्यूबिक रूट है ये। तो अगर यहां होता ना 5 तो इसे 1/5 लिख सकते थे आप, यहां होता ना 6 तो आप इसे 1/6 लिख सकते थे। अगर अकेला स्क्वायर रूट होता ना तो उसे स्क्वायर रूट बोला जाता है, लेकिन यहां 3 है तो क्यूबिक रूट लिखा जाएगा। और लॉग के 4 रूल्स हैं, वो भी आपने पढ़ने हैं, इसमें रिवाइज करने हैं। अब जरा देखें कि ये जो पावर है ना, ये जो 1/3 नजर आ रही है आपको, ये पावर जो है ना लॉग से पहले आएगी, लॉग से पहले आएगी, ये इधर आएगा 1/3 आ जाएगा, इधर 1/3 आएगा। तो इधर देखें जी, पावर जब पहले आ जाएगी तो यहां आएगा लॉग एज इट इज है, और जे वाली वैल्यू आएगी 7/15, ये इधर आ गया 7/15, ठीक है जी, ये आएगा 7/15। लॉग का जो रूल है वो भी मैं यहां मेंशन कर दूंगा। यहां देखें, अब लॉग के रूल के तहत आपके पास ये होगा कि लॉग की कोई भी वैल्यू जो डिवाइड हो रही होती है, पूरी फ्रैक्शन जब आप उसे सेपरेट करेंगे तो आप लिखेंगे लॉग 7 माइनस लॉग 15। ये देखो जी, ये आपके पास आएगा log 7 माइनस log 15। तो ये आपके पास कंप्लीट आंसर आ गया जी इसका। मैं आपको यहां रूल्स लिख देता हूं, इधर देखें जी, लॉग इधर देखें, लॉग ये आपके पास जो वैल्यूज आ गई, यहां अगर ए है इसके ऊपर बी आ गया है, तो जो ये पावर आपको नजर आ रही है लॉग के रूल के तहत, लॉग के ला के तहत, ये पावर पहले आ जाती है। अच्छा, सेकंड रूल इसका जो है वो ये है, अगर लॉग में कोई वैल्यू डिवाइड हो रही है, ए और बी आ गया है, कोई वैल्यू डिवाइड हो रही है, तो यहां आएगा लॉग ए माइनस लॉग बी, ये जो डिवाइड हो रही होती है वो माइनस में आती है। अच्छा, और लॉग में अगर कोई वैल्यूज हैं दो, वो जो मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, अब आपने ना क्या करना है, उनको सेपरेट सेपरेट लिखना है, तो आप यहां लिखेंगे लॉग ए प्लस लॉग बी, मल्टीप्लीकेशन वाली जो वैल्यू होती है वो ऐड होती है और डिवीजन वाली वैल्यू माइनस होती है, और पावर वाली जो वैल्यू है वो पीछे आ जाती है पावर। ये आ गया जी। अब हम ना इसमें आगे पास वैल्यूज है वो देखते हैं जी।
बेटा मैंने अभी आपको ना वन का फोर्थ पार्ट पढ़ा दिया है, वन का फोर्थ पार्ट पढ़ाया है। अब मैं आपको वन का फिफ्थ पार्ट पढ़ाऊंगा। मैंने लॉग के यू रूल बता दिए हैं आपको, लॉग के ये रूल बता दिए हैं जी। यहां देखिए मैं रूल यहां साथ साथ लिखे रहे जी। हम इसी रूल के तहत नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं जी। बेटा इसका जो फिफ्थ क्वेश्चन है तो वो देखो जी, फिफ्थ कौन सा है वो बुक से देखते हैं जी। फिफ्थ में ये लिखा हुआ है लॉग 22 इसकी पावर है 1/3 और यहां 5 की पावर 3 आ गया जी। ये आपके पास आ गया जी। तो इधर देखें, सबसे पहले यहां ना ये दोनों जो वैल्यूज है ना ये डिवाइड हो रही हैं। इधर देखें जी, ये लॉग है, ये 22 की पावर कितनी है 1/3 माइनस लॉग 5 की पावर कितनी है 3। ये आ गया जी। मैंने आपको लॉग का रूल बताया था जिसमें जो वैल्यू अगर डिवाइड हो रही हैं तो वो माइनस हो जाती हैं, वो यहां माइनस हो गई हैं। इधर भी दो वैल्यूज डिवाइड हो रही थी, इनको मैंने माइनस कर दिया। अगला स्टेप क्या है इधर देखें, यहां ना पावर रूल है तो यहां पावर रूल में क्या आएगा इधर देखें, तो ये पावर आ जाएगी पहले, यहां आएगा लॉग 22 माइनस, यहां भी पावर है 3 लॉग, ये है 5, इसका ये आंसर आ गया। पावर पहले और ये भी पावर पहले, ये आपके पास एंड हो गया जी। अब ना इसका मैं आपको बताता हूं 6 क्वेश्चन 6 में क्या है। 6 को बुक से हम देखते हैं फिर बताते हैं कि बुक में 6 कौन सा है जी। 6 में ये लिखा हुआ है लॉग 25 क्रॉस 47 डिवाइडेड बाय 29, ये आ गया, ये इसका 6 है जी। तो इसमें ना हम देखते हैं जी, 6 में आपके पास यहां जो वैल्यूज हैं, 6 में जो वैल्यूज हैं जी, इधर देखें लॉग जो ऊपर वाली वैल्यू है 25 ये लिख दिया आपने, आगे मल्टीप्लिकेशन है तो यहां आपके पास आएगा लॉग 47, जो मल्टीप्लिकेशन में वैल्यू होती है वो ऐड होती है, जो डिवाइड होती है वो माइनस होती है, लॉग 29 हो गया, ये ऐड हो जाएगी ये माइनस हो जाएगी, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा जी। बेटा मैंने आपको पहले बताया था ये डिवाइड हो रही है, सेपरेट सेपरेट कर दिया, पावर पहले लिख दी, पावर पहले लिख दी, ये 25 ये मल्टीप्लाई है तो ऐड हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा। अब ना हम ना इसके बाद नेक्स्ट सिलेबस देखते हैं, फिर हमने कौन सा पढ़ना है वो मैं बता देता हूँ। सिलेबस चेक करें आप, सिलेबस में आपको ये शो हो रहा है जी आपने जो पढ़ना है 3.3 का जो है ना कस्टमर 2 है जी। इधर देखें जी, कस्टमर 2 भी पढ़ना है और कस्टमर 3 का थर्ड और फोर्थ पार्ट, ठीक है जी। अब हम ना बुक पे आते हैं, उसमें देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन जो हम आज जो है ना पढ़ सकते हैं आसानी से।
उसमें ये लिखा हुआ है लॉग, क्वेश्चन नंबर थ्री है जी, थ्री का, और टू भी पढ़ना है जी, मैं टू भी पढ़ा देता हूँ, थ्री का थर्ड और फोर्थ पार्ट भी पढ़ा देता हूँ। तो इधर देखें क्वेश्चन नंबर टू में क्या है, तो आगे पास जो हम सॉल्यूशन की तरफ आते हैं, आपने उसे सिंगल लॉगरिथम की शक्ल में लिखना है, लॉग ऑफ एक्स माइनस टू लॉग ऑफ एक्स प्लस थ्री लॉग एक्स प्लस वन माइनस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वन। बेटा ये वाली वैल्यूज हैं जी, ठीक है जी। तो हम देखते हैं, यहां देखें क्वेश्चन को वेरीफाई करें, लॉग एक्स माइनस टू लॉग एफ एक्स प्लस थ्री लॉग इंटू एक्स प्लस वन माइनस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब हम ना इसको सिंगल लॉगरिथम की शक्ल में लिखते हैं, सिंगल लॉगरिथम की शक्ल में कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले तो ये जो इनके पावर है, ये जो पीछे लिखा हुआ है टू, इन वैल्यूज को हम पावर बना सकते हैं, ये पावर बन जाएगा, यहां आपके पास आएगा लॉग और एक्स इसका स्क्वायर। लॉग के रूल के तहत जो पावर हो वो पीछे आ सकती है, जो बैक साइड वाली वैल्यू है वो दोबारा पावर भी बन जा सकती है। ये देखें मैंने आपको बताया था लॉग ए और बी इक्वल है बी लॉग ए के, दोबारा पूछे क्या पूछना चाह रहे हैं आप। तो इधर देखें जी, तो बेटा जो यहां इधर देखें प्लस जो थ्री नजर आ रहा है वो एक्स प्लस वन और यहाँ थ्री आ गया, और ये वाली वैल्यू जो लॉग की है ये एज इट इज आ जाएगी, ये एज इट इज आ गई। इधर देखें ये टू पहले है ऊपर आ गया, ये थ्री पहले है ये भी ऊपर आ गया। अब ना हम ना इसमें क्या करते हैं कि एडिशन वाली वैल्यू सेपरेट कर देते हैं। इधर देखें ये log of x plus log x plus वन होल का क्यूब माइनस log x स्क्वायर माइनस log x स्क्वायर माइनस वन, ये आ गया। तो इधर देखें log of x, तो आपके पास यहां जो वैल्यूज है प्लस लॉग एक्स प्लस वन होल का क्यूब माइनस कॉमन ले लें तो बेटा माइनस कॉमन ले लिया, तो ये वाली जो वैल्यू है ये देख लेंगे लॉग आगे पास एक्स स्क्वायर और प्लस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वन इधर आ गया जी।
तो अब हमने करना क्या है, ये जो एडिशन वाली वैल्यू है ये देखो, इनको तो एक लॉग की शक्ल में लिखेंगे, ये लॉग एक लिख रहा हूं मैं, इधर एक्स आ जाएगा, ये जो एडिशन वाली वैल्यू है ये मल्टीप्लाई हो जाती है, इधर देखो एक्स प्लस वन होल का क्यूब ये आ गया, ये देखो ये मल्टीप्लाई हो गई है। जो माइनस वाली वैल्यू आगे वाली सारी की सारी, जो माइनस से आगे वाली सारी वो डिवाइड हो जाएगी, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसका ये आंसर है, ये इसका आंसर है जी। दोबारा देखें यहां ना वैल्यूज कैसे बन रही हैं, ये जो x है ये तो एडिट आएगा, ये जो ऐड हो रहा है ये तो मल्टीप्लाई हो गया ना, इधर इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, ये जो ये वाली वैल्यू है ये माइनस में है वो डिवाइड हो जाती है। आपको लॉग के रूल पहले भी बताए थे, दोबारा भी सुन लें, लॉग में जो वैल्यू डिवाइड हो रही है वो माइनस हो जाती है, लॉग में जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाती है वो लॉग में वैल्यू ऐड होती है, वो ऐड होती है। इधर देखें जो डिवाइड हो रही है वो माइनस होगी, जो मल्टीप्लाई हो रही है वो ऐड होगी, यहां जो मल्टीप्लाई ऐड हो रहा है वो मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे, जो यहां माइनस हो रहा है वो डिवीजन में लिखेंगे, ये आपके पास आ गया जी। तो इधर देखें जी ये वाली वैल्यूज इधर आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है जी, इस क्वेश्चन नंबर थ्री का थर्ड पार्ट, हम क्वेश्चन नंबर थ्री पढ़ रहे हैं जी। अच्छा इधर देखें थ्री में आप आते हैं जी, हम बुक देखते हैं जी, थ्री में वो ये कह रहा है कि इनको भी आपने सिंगल लॉगरिथम में लिखना है जी। राइट द फॉलोइंग, इधर देखें जी, राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ सिंगल लॉगरिथम ठीक है जी। इसका हमने पढ़ना है थर्ड और फोर्थ पार्ट, थर्ड में लिखा हुआ है जी वो है जी टू लॉग ऑफ एक्स थ्री लॉग ऑफ वाई, फोर्थ में है लॉग फाइव प्लस लॉग सिक्स माइनस लॉग टू, बुक आंसर चेंज है सर। किस क्वेश्चन का मुझे बताएं जरा, क्वेश्चन नंबर बताएं, सर क्वेश्चन नंबर टू, टू का बुक में क्या आंसर है जरा, वो अगर आप मैं चेक कर लेता हूं ना, मैंने देख लिया कि इसमें कोई मिस्टेक नहीं है बेटा, ऐसा हो सकता है सर आगे सॉल्व होता है, बुक में सॉल्व किया तो आप कर लें, तो इसमें क्या प्रश्न, ओके सर तो इसमें कर लेना आप, एक्स एक्स से काट दें, इसको ओपन करके इसके साथ काट दें, जो भी कटेगा तो प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं समझा था शायद कोई गलत, आपने यूं कहना था सर आगे सॉल्व होता है, आपने कहा गलत है, आप मुझे ये कहें कि आगे सॉल्व हो जाएगा, वो कर सकते हैं आप, एक्स को एक्स से क्रॉस कर दें, इसको ओपन कर दें, एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन आएगा, एक्स प्लस वन उसे काट जाएगा, ठीक है
हम इसको सॉल्व करते हैं अब आगे। हम ना इधर देखें, जो इसका सॉल्यूशन है लॉग एक्स इसका स्क्वायर आएगा, जो ये टू है ना वो पावर बन जाएगा, इधर आके पावर बन जाएगा माइनस लॉग वाई, और ये थ्री इधर आ गया, ये थ्री इधर आ गया, टू इधर आ गया, थ्री इधर आ गया। तो जो लॉग वाली वैल्यू माइनस हो रही है ना, इधर देखो एक्स स्क्वायर ओवर वाई क्यूब, ये इसका आंसर है जी। तो ये वाली जो वैल्यू है ना चलें, ये मैंने इधर कर दिया जी, बहुत ही सिंपल है, सिंगल लॉगरिथम की शक्ल में लिखना है। जो ये टू है वो पावर हो गया, ये थ्री है इधर चला गया, ये दोनों माइनस हो रही इधर आके डिवाइड हो गई। इधर इधर भी बहुत आसान है जी, लॉग है ये जो ऐड हो रहा है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो माइनस हो रहा है वो डिवाइड हो जाएगा, ये इसका आंसर है। आगे अगर सॉल्व होता है तो आप खुद देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। एक्स स्क्वायर और वाई क्यूब यहाँ फाइव मल्टीप्लाई सिक्स डिवाइड बाई टू आ गया बेटा, इसे नोट डाउन कर लें और हम आगे देखते हैं कि आगे सिलेबस में क्या करना है हमने इसमें से। जो क्वेश्चन हम आज कर सकते हैं हम आज करेंगे। आगे है मैंने क्वेश्चन नंबर टू भी वन भी करवा दिया, टू भी करवा दिया, थ्री भी करवा दिया, क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन फोर देखते हैं जी। बेटा क्वेश्चन फोर का जो तरीकेकार है ना वो, उससे पहले ना एक आप लॉज समझेंगे, एक लॉ समझेंगे, उसके बाद ये ज्यादा क्लियर आपको समझ में आएगा। तो हमारा जो भी नेक्स्ट लेक्चर होगा ना, हमने उसमें ये करना है कि इसमें लॉज पहले पढ़ने हैं। तो जब ये लॉज आपको समझ में आ जाएंगे तब आप क्वेश्चन नंबर टू जो है ना वो इजीली कर पाएंगे, आसानी से कर पाएंगे। हमारी एक एक्सरसाइज रह जाएगी बाकी, इसके बाद थ्री फोर हमारा थर्ड चैप्टर भी एंड हो जाएगा। ठीक है जी बेटा, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर आ रही है। तो आप इसे यहाँ तक नोट कर लें, हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें सबसे पहले हम ला पढ़ेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन फोर पढ़ेंगे। ओके सर। अब टाइम इतना क्लोज है कि हम वो ला को नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है बेटा? यस सर। ओके यस सर, अल्लाह हाफिज़।